नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। 26 मार्च यानी शुक्रवार को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सब कुछ बंद रहने का ऐलान किसान संगठनों ने किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से भारत बंद का समर्थन करने की अपील की है। SKM ने एक बयान में कहा, यह सरकार गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और किसानों की फसलों की खरीदारी बढ़ाने की मांग के प्रति असंवेदनशील है। किसान संगठनों ने आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के तत्काल क्रियान्वयन की एक संसदीय समिति की मांग रविवार को आलोचना की। ECAA उन 3 कानूनों में से एक है जिसके खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संसदीय समिति ने सरकार से ECAA का क्रियान्वयन करने को कहा है। इस समिति में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आप समेत विपक्ष दलों के सदस्य भी शामिल हैं। ये दल केंद्र द्वारा हाल ही में लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने के मांग में लगे हैं। SKM ने कहा, हम किसानों, श्रमिकों एवं आम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे 3 कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी अधिकार के लिए अपना संघर्ष तेज करें। उसने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायतों को मिले अभूतपूर्ण समर्थन से स्पष्ट है कि 26 मार्च को प्रस्तावित भारत बंद सफल रहेगा। उसने कहा कि आपात सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं उस दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निलंबित रहेंगी।